हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके ही चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं। मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीएससी सेकंड ईयर का तीन के तीनों सब्जेक्ट अपलोड करता हूँ। साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के भी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए, हम पढ़ा रहे थे, पिछली वीडियो आप देखे होंगे, एक तरफ से वीडियो देखेंगे तभी बढ़िया समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने स्टार्ट किया था नामनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहता है तो उसका नामनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इसके बेस पे हम तीन चार वीडियो नियर अबाउट पढ़ाएंगे। तो आप एक एक वीडियो देखकर छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा, लगातार वीडियो देखेंगे तभी हर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड के बारे में कब आई टी एक बार इंट्रोडक्शन दिखा दे रहे हैं। जैसे आई टी होता था और ए टी होता था, उसको उसके स्थान पर ई को हटा कर क्या जोड़ देते थे, ओ जोड़ देते। जैसे सल्फाइट होता था ना, सल्फेटो कर देते थे। उसके बाद दूसरा हमारा ये कंडीशन आया था जिसे आई डी ई रहे, तब वहां पर आई डी ई को रिमूव करके ओ कर दिया जाता था। जैसे साइनाइड था, साइनाइड के स्थान पर साइनो बोला जाता था, यही होता था। उसके बाद थायोसाइनाइड होता था, उसके स्थान पे थायोसाइनाइडो बोला जाता, थायोसाइनो बोला जाता। क्यों बोला जाता, क्योंकि आई डी ई हटा करके हमारा ओ जोड़ दिया जाता था। बट एक्सेप्शन में हमने चार कंडीशन ऐसी आपको बताई थी जो एक्सेप्शन में थे, आई डी ई के बाद आई डी ओ जोड़ दिया जाता था। वहां पर पूरा आई डी ई रिमूव नहीं होता था कि आई डी ई है तो इसके स्थान पर ओ कर दिया जाता, ऐसा नहीं। उसके स्थान पर एक्सेप्शन था, चाहे आई डी ई को हटा करके ओ कर दिया जाता था। लेकिन इस वीडियो में उसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आप समझ पाएंगे, तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो नोट का एक पॉइंट उसी वीडियो का था, हमने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में देख लीजिए। इफ द टू लिगेंड, यदि किसी दो लिगेंड में, लिगेंड आप लोग समझते हैं सेंट्रल मेटल एटम को जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही हमारा लिगेंड कहलाता है, ठीक। तो इफ टू लिगेंड हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, यदि कोई दो लिगेंड ले लीजिए कोई भी, इफ टू लिगेंड हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर हो एटम का, तो द ऑर्डर वुड बी दैट ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ लिगेंड। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी लिगेंड है, सेम ही लिगेंड, किसी दो अलग अलग सेम लिगेंड हो, उसका आयन भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट उसके क्या हो कि अलग से सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग जुड़े रहे, तो क्या होता था। जैसे हम फॉर एग्जांपल दिखा दीजिए, आप अभी समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल में जैसे हम बताते हैं कि जैसे कि आप लोग ले लीजिए CrO4 का माइनस, CrO4 टू माइनस, और ले लीजिए SO4 टू माइनस। देखिए अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाए, CrO4 2- माइनस अथवा SO4 2- माइनस, ऐसी दोनों कंडीशन आ जाए, तो पहले किसका नामकरण करेंगे, तो इसका नेमिंग पहले करेंगे क्रोमियम का, उसके बाद सल्फर का करेंगे, क्योंकि हम जानते थे क्रोमियम का कितना होता है 24, उसके बाद सल्फर का होता है 16, तो पहले तो हम इसका करेंगे। जैसे हाइएस्ट जो, जैसे O4 2- दो के दोनों के साथ वही लगा है, जब ये हाइएस्ट रहता है, जैसे क्रोम जिसका एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, जैसे क्रोमियम का ज्यादा है, तो क्रोमियम का ज्यादा है तो इसका नेमिंग क्या है, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारा सल्फर का क्या है, कम है, इसलिए इसका बाद लिखेंगे। अगर इससे भी कोई कम आ रहा होता तो उसको बाद उसके बाद लिखते। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसके सबसे पहले नामकरण करते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा कम, उसके बाद उससे थोड़ा कम, इसीलिए आपको लिखा गया द ऑर्डर वुड बी दैट ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के घटते हुए क्रम में इनका क्या किया जाता है, आपका नामनक्लेचर दिखाया जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, बहुत अच्छे। चलिए आगे हम देखते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे हम नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। हेडिंग डालेंगे पांचवी हमारी हेडिंग थी वो पिछली वीडियो को मिला करके, उसके बाद वाले नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। हम इसमें न्यूट्रल लिगेंड की नामकरण करेंगे, तो ध्यान समझिएगा, न्यूट्रल लिगेंड का नामकरण करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहले न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, और इस साइड में हम क्या लिखेंगे, नेम उसका।
ध्यान समझते चलिएगा, न्यूट्रल लिगेंड लिख देंगे और नियम लिख देंगे, ठीक। चलिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका न्यूट्रल लिगेंड NH3 होता है, NH3 दे दिया गया, तो उसको क्या पढ़ते क्या है, उसको एमीन पढ़ते हैं, नोट करते चलिए। H2O दे दिया गया, एक्वा पढ़ते हैं, याद रखिएगा हमेशा। अगर आपका CO दे दिया गया, CO क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल, ये जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आप भूल जाएंगे, ठीक, और नामकरण बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। अगर आपका NO हो गया तो उसे नाइट्रोसिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। उसके बाद अगर CS दे दिया गया आपका, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, अर्थात इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये हो जाते हैं थायो कार्बोनिल, कहते हैं थायो कार्बोनिल। उसके बाद हम NS की बात कर लेते हैं, NS अगर आपका दिया गया तो क्या होगा हमारा, NS दिया गया होता है थायो नाइट्रोसिल होता है, क्या होता है, थायो नाइट्रोसिल, थायो नाइट्रोसिल। उसके बाद आपका अगर C6H5 दे दिया गया, C6H5, तो C6H5 क्या पढ़ते हैं, फेनिल होता है, आप लोग इसको जानते ही होंगे, क्या होता है, फेनिल। उसके बाद CH3 दे दिया गया तो मिथिल होता है, ये तो सभी लोग को पता होगा, ठीक, नोट कर लीजिए इतना, तब दूसरा बताएं, मिथिल नोट कर लिए। चलिए अगर आपका इसके बाद दे दिया गया C6S5 का होल थ्राइस पी, तो इसका नामकरण क्या होता है, इसका नामकरण होता है ट्राइफिनिल फॉस्फीन, क्या होता है, ट्राइफिनिल फॉस्फीन, ट्राइफिनिल फॉस्फेट, ठीक। अगर आपका दे दिया गया CH3NC, तो ये क्या हो जाता है हमारा, आप इसका नाम बता सकते हैं, CH3 क्या बोलते हैं, मिथिल बोलते हैं, और NC क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट बोलते हैं, ठीक, लिख लीजिए, तो मिथिल आइसो साइनाइड आइसोसाइनेट, उसके बाद सॉरी आइसोसाइनेट होता है यहां पर, इसका नाम है आइसोसाइनेट, ठीक। उसके बाद अगर हमारा हो गया NCS को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक। उसके बाद NH2CO दे दिया गया, आप लोग इसको जानते ही हो, NH2CO, इसे क्या बोलते हैं, यूरिया, क्या बोलते हैं, यूरिया। और यदि आपका दे दिया CH3 का होल ट्वाइस SO, इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, क्योंकि CH3 का होल ट्वाइस है तो ये डाइमिथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइमिथिल सल्फोक्साइड। देखिए इसको भी क्या बोलते हैं, मिथिल बोलते हैं, ये जब 2 लगा तो ये डाई, अगर 3 लगा तो ट्राई हो जाता, तो डाइमिथिल और इसको इसको पढ़ेंगे हम सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड, नोट कर लीजिए, ये रामारा न्यूट्रल लिगेंड और उसका नाम हो गया। तो कैसे क्या क्या नाम होता है, जब नाम याद रखेंगे तभी आप लोग हल कर पाएंगे, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, बहुत अच्छे। चलिए बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। अभी तक तो हमने न्यूट्रल लिगेंड देखा, पिछली वीडियो में हमने निगेटिव लिगेंड भी देख लिया था, अब पॉजिटिव लिगेंड की बात करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉजिटिव लिगेंड आपको मिलेंगे उसमें IUM करके जुड़ जाता है, क्या, जिसे नाइट्रोसिल मिला आपको, नाइट्रोसिलियम हो जाएगा, ठीक, समझ में आया।
तो जैसे जो भी मिलेगा आपको उसमें IUM क्या जुड़ जाता है, IUM हो जाता है, लिख लेंगे इसमें पॉस्टिलियन इंस इन IUM, मतलब पॉस्टिलियन के एंड में क्या जुड़ जाता है IUM। जैसे आप लिख लीजिए पॉस्टिलियन एक पेकड़ में दूसरे में लिख लीजिए नेम, ठीक। पॉस्टिलियन जैसे हमने क्या ले लिया, या नो प्लस ले लिया, अपने मन से नहीं ले लेंगे, जो जो पॉस्टिलियन होते हैं वही, तो जो एनओ प्लस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिल होता है, क्या जाता है नाइट्रोसिलियम, IUM जुड़ा, नाइट्रोसिल होता है, नाइट्रोसिलियम हो गया। उसके बाद जैसे एनओ टू प्लस ले लिए, एनओ टू प्लस भी होता हमारा क्या पॉस्टिलियन, एनओ टू प्लस मारा तो नाइट्रोनियम हो जाएगा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा नाइट्रो नियम, समझ में आ रहा है लास्ट में क्या जुड़ा IU जुड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं C5H5N+ के, C5H5N+ उसी प्रकार ये भी हो जाएगा C5H5N की नाम क्या होता है, तो C5H5N+ का क्या हो जाएगा पिरिडिनियम, क्या हो जाएगा पिरिडिन होता है इसका नाम, तो क्योंकि ये पॉस्टिलियन है इसलिए पॉस्टिलियन जब हम लिखने लगते हैं तो IUM जोड़ देते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा पिरिडिनियम, IUM जोड़ देते हैं, ठीक। फिर NH2 अगर NH3+ देखते हैं, NH3+ की बात करते हैं तो इसका नाम होता है हाइड्रोजिनियम, ठीक, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजिनियम हो जाएगा, क्लियर। IUM लास्ट में जुड़ जाएगा, हाइड्रोजिनियम हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, पूरा पूरा आज खराब हो रहा है, हाइड्रोजिनियम, ठीक, नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन होता है NH2 NH3 हाइड्रोजन होता है, तो ये पॉजिटिव लिगेंड है इसलिए क्या हो जाएगा हाइड्रोजिनियम, लास्ट में क्या लग जाता है IUM लग जाता है, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, अगली हेडिंग डालेंगे, सातवीं हेडिंग देख लेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये सात नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो पॉइंट वाइज हम इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप लोग सीरियल वाइज सीरियल याद करते चलें और बढ़िया से हर एक हेडिंग आप बढ़िया से याद कर सकें। ये ऐसा नहीं आता है कि पॉइंट वाइज हेडिंग लिखना होगा, नहीं आता, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें दिए जाते हैं, जिससे मान लीजिए आपको दे दिए गए कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिए गए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिए, उसको क्या करना होता है आपको नामकरण करना होता है, नामकरण करना होता है, बस 5 नंबर का लेकिन फिक्स होता है, इसीलिए करें बार बार ध्यान से पढ़िए। द नंबर ऑफ सिंपल लिगेंड, यदि सिंपल लिगेंड पहले समझिए, यदि सिंपल लिगेंड होगा जैसे आप Cl- देख लिए, Na2- NO2- देख लिए, NO2+ देख लिए, ठीक, तो ONO- देख लिए वगैरह वगैरह आपने बहुत सारे देखे, तो इसमें क्या था, इसमें जो नंबर इसका आएगा जैसे Cn का ट्वाइस आ गया, ठीक, ये देखिए जैसे Cn का होल ट्वाइस अगर आ गया तब उसी प्रदर्शित किया, ये ट्वाइस को क्या लिखेंगे, ये चीज, तो डाई क्या लिखे थे, डाई साइनो लिखते थे ना, डाई साइनाइटिस का नाम होता है, तो ये डाई करके लिखा जाता है, तो ये डाई साइनो होता है, अगर यहाँ पर ट्राई होता ट्राई साइनो, यहाँ पर फोर होता टेट्रा साइनो, यहाँ पर सिक्स होता हेक्सा साइनो, यही तो होता था, तो वही बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ जो लिगेंडों की जो नंबर है अगर वह सिंपल लिगेंड है तो वह डाई ट्राई टेट्रा पेंटा में करके लिखा जाता है, जैसे भी आपका रहेगा 5 रहेगा पेंटा होगा, 6 रहेगा हेक्सा होगा, 7 रहेगा सेप्टा होगा, 8 रहेगा ऑक्टा होगा, इसी प्रकार आपका दिया जाता है। बट
इफ द लिगेंड आर कॉम्प्लेक्स, यदि लिगेंड कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि आप देखते हैं एथिलीन डायमीन हो गया, EN, एथिलीन डायमीन आप लोग जानते हैं यही NH2CH2 CH2NH2 and CH2NH2, यही होता है एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पास दो कार्बन है, जब दो कार्बन होता है तो एथेन होता है, एथिलीन डायमीन क्योंकि एमीन दो बार है तो एथिलीन डायमीन, इसे EN भी बोलते हैं, ये एथिलीन डायमीन। तो एथिलीन डायमीन क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, हमने पहले बताया था। EDTA मान लीजिए, EDTA फुल फॉर्म आप लोग जानते हो, EDTA जब फुल फॉर्म होता है वो आप लोगों को हमने EDTA का फॉर्मेशन बताया कि एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड होता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड होता है। फिगर आप लोग देखना चाहते हम दिखा देते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड का बहुत सिंपल फिगर है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर CH2 होता है, यहाँ पर भी CH2 होता है, यहाँ N होता है, यहाँ भी N होता है, फिर इसके बाद CH2COOH एंड CH2COOH, इधर भी CH2COOH, इसलिए हमने उल्टा इसलिए जोड़ा क्योंकि ये कार्बन बॉन्ड द्वारा बंधा होता है, इसलिए हमने ये सब किया है। ये मत सोचिए कि HOOCH2C क्या है, CH2COOH, ठीक। तो इसका नाम ही यही होता है कि एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड होता है। तो एथिलीन दो कार्बन है, डाइएमीन यन दो बार है, ठीक, एथिलीन डायमीन टेट्रा, टेट्रा मतलब फोर, तो देख रहे हैं टेट्रा एस्टिक एसिड, ये क्या है, एस्टिक एसिड है, CH2COOH, CH2COOH का एस्टिक एसिड बोलते हैं, इसलिए ये टेट्रा चार बार है, इसलिए टेट्रा एस्टिक एसिड इसे बोला जाता है, ये इसका नाम होता है EDTA। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड। बट आपको जहां मिलेगा इतना बड़ा थोड़ी मिलेगा, इतना बड़ा करके EDTA कर दिया जाता है, और ये जो एथिलीन डायमीन होता है EN करके ऑलवेज आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा एथिलीन डायमीन, ये फार्मूला नहीं बनाएगा वो, ठीक, कॉम्प्लेक्स का तो बड़ा होता है फार्मूला इसलिए नहीं बनाता है। तो अगर इस प्रकार के आपको मिलेंगे, इस प्रकार के आपको मिलेंगे, जैसे एथिलीन डायमीन का ट्वाइस कर दिया, उसमें देख रहे थे ट्वाइस कर रहे तो डाई आ रहा था, ट्राइसिसन का हमने किया था, अगर ट्राइस कर रहे थे तो ये ट्राई आ रहा था, फोर कर रहे थे टेट्रा आ रहा था, एनओ टू ले लीजिए, यहाँ पर अगर हमने फोर किया था ये टेट्रा आ रहा था। बट इसके जगह पर यदि कॉम्प्लेक्स रहेगा, वही चीज बता रहा है, जब यदि कॉम्प्लेक्स रहे जैसे EN का अगर थ्राइस है तब क्या दिखेगा, EN का अगर थ्राइस है अगर ट्रिस बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ट्रिस एथिलीन डायमीन, ये ट्रिस बोला जाएगा, अगर यहाँ पर ट्वाइस रहेगा तो बिस बोला जाएगा, वन नहीं होता, वन तो स्वयं ही होता है, तो यही तो बिस, टू के लिए, थ्री के लिए ट्रिस, फोर के लिए टेट्राकिस एंड फाइव के लिए पेंटाकिस, बिस नहीं किस, टू के लिए बिस, थ्री के लिए ट्रिस, फोर के लिए टेट्राकिस, फाइव के लिए पेंटाकिस, सिक्स के लिए हेक्साकिस और सेवन के लिए सेप्टाकिस और एट के लिए ऑक्टाकिस, ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो आप लोग समझ लीजिए, जब ये सिंपल लिगेंड रहेगा, याद हो गया होगा, जब ये सिंपल लिगेंड रहेगा तब डाई ट्राई टेट्रा वगैरह वगैरह जो जोड़ते हो अभी आज तक जोड़ते आए हो, बट ये नई चीज मिली है आपको, इसके पहले नहीं मिली थी। जब आपको ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड मिलेगा तब आप टू के लिए बिस लगाओगे, थ्री के लिए ट्रिस लगाओगे, फोर के लिए टेट्राकिस, फाइव के लिए पेंटाकिस, सिक्स के लिए हेक्साकिस, सो आने से लगाते चले जाओ, जो भी मिलेगा आपको वही लगा देना है। तो ये समझ में आया नंबर ऑफ लिगेंड, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया होगा, अगर हमसे पढ़ने की इच्छा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, नन्हा सा प्यारा सा बेल आइकन है, तो आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे, साथ ही साथ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, आठवें हेडिंग की बात करते हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, रिवीजन कीजिए बढ़िया से, उसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।